सूरत। सूरत भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। ये सूरत जिले का मुख्यालय है। ताप्ती नदी, जिसे कि तापी नदी भी कहा जाता है, सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत में आवागमन के कई सारे साधन मौजूद हैं, जैसे कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सूरत कपड़ों का हब होने की वजह से देश और विदेश के व्यापारी इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से अपनी यात्रा करते हैं। दिन हो या रात, सूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का आना और जाना लगा रहता है। सूरत रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड ST, गोथंगम, कोसाड, उत्तरन, उधना जंक्शन, वेस्तान, नियोल और सचिन के अलावा सूरत की सेवा करने वाला एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सूरत भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन का A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। ये अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई रेल मार्ग पर है। दोस्तों, उत्तर की ओर जाने पर उत्तरन रेलवे स्टेशन इसका निकटतम रेलवे स्टेशन है और उधना जंक्शन रेलवे स्टेशन सूरत के दक्षिण में है। 2016 की शुरुआत में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने स्वच्छता के आधार पर इस सुविधा को भारत में सबसे अच्छे बड़े स्टेशन का दर्जा दिया था। सूरत का रेलवे स्टेशन जमीन से पहली मंजिल पर है। दोस्तों, सूरत रेलवे स्टेशन का निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत हवाई अड्डा है। सूरत रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन के मुंबई WR रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। सन 1852 में खोले गए इस रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सूरत रेलवे स्टेशन के प्रमुख लाइनों में नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन, सूरत जलगांव लाइन, अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन, अहमदाबाद चेन्नई लाइन और हावड़ा अहमदाबाद लाइन आदि शामिल है। कुल 4 प्लेटफॉर्मों वाले इस रेलवे स्टेशन में कुल ट्रैकों की संख्या 6 है। दोस्तों, सूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन A+ कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। सूरत रेलवे स्टेशन के नजदीकी बड़े रेलवे स्टेशनों में भरूच जंक्शन 58 किलोमीटर, वलसाड 67 किलोमीटर और वापी 93 किलोमीटर आदि मुख्य रूप से शुमार है। बात अगर ट्रैफिक की करें तो सूरत रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स आवाजाही किया करते हैं। वहीं इस स्टेशन पर लगभग 323 ट्रेनें रुकती हैं, जबकि 22 ट्रेनें यहां से खुलती हैं और जिनका की यहां पर लास्ट स्टॉपेज है। सूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में 19218 वेरावल मुंबई बांद्रा टर्मिनल सौराष्ट्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20955 सूरत महुआ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12934 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल कर्णावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12962 इंदौर मुंबई सेंट्रल अवंतिका सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12655 अहमदाबाद MGR चेन्नई सेंट्रल नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12925 मुंबई बांद्रा टर्मिनल अमृतसर पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12951 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। दोस्तों, सूरत रेलवे स्टेशन में ट्रेन संबंधित पूछताछ हेतु 139 और 0261-241-2670 पर डायल किया जा सकता है। सूरत रेलवे स्टेशन NSG-1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, यानी कि नॉन सब अर्बन ग्रुप 1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। स्वच्छता की बात करें तो सूरत रेलवे स्टेशन का साफ सफाई के मामले में पूरे भारतवर्ष में 18वां स्थान है।
सूरत रेलवे स्टेशन की इस खासियत के लिए एक लाइक तो बनता है। सूरत रेलवे स्टेशन के नजदीकी घूमे जाने वाले प्रमुख स्थानों में सरदार पटेल म्यूजियम 7.8 किलोमीटर, साइंस सेंटर सूरत 7.9 किलोमीटर, अमेजिया वाटर पार्क 4.1 किलोमीटर और अंबिका निकेतन मंदिर 8.6 किलोमीटर और दुमास बीच 22.3 किलोमीटर आदि शामिल है। सूरत रेलवे स्टेशन में यात्रियों के सुविधा हेतु व्हीकल पार्किंग, फ्री वाईफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री, क्लॉक रूम, रेस्टोरेंट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, एस्केलेटर, लिफ्ट, फुट ओवरब्रिज, ड्रिंकिंग वाटर, सीटिंग शेड, एटीएम, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, डिसेबल्ड व्हील चेयर, पार्सल बुकिंग ऑफिस और जीआरपी इत्यादि शामिल है। वेल दोस्तों, सूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन गुजरात में तेजी से विकसित होता हुआ रेलवे स्टेशन है। सूरत रेलवे स्टेशन को और भी स्मार्ट बनाने की कोशिश केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सूरत रेलवे स्टेशन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।